वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फीफो एल्गोरिथम। अब आपने पढ़ा भी होगा डिटेल सेक्शन में फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, फीफो एल्गोरिथम कहाँ यूज होती है और कैसे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एग्जीक्यूट द जॉब दैट कम इन द फर्स्ट इन द क्यू। B is the correct answer. In the following case, non-primitive scheduling occurs. Non-primitive scheduling होती है वो कहाँ कर होती है? When a process switch from the running state to the ready state, when the process goes from the running state to the waiting state, when a process switch from the waiting state to the ready state. तो इसका correct answer है B. When a process goes from the running state से waiting state, तो उन cases में use होती है। The switching of the CPU from one process to the thread to the another is called, हम उसे कहते हैं all of the mentioned process switch, task switch, context switch. Scheduling is done so as to क्या होती है, किस लिए होती है? CPU utilization, ये बहुत बार पूछा जाता है। CPU A is the correct answer. FCFS first come first serve algorithm जो होती है is a particular troublesome for answer is the multi-programming system. B is the correct answer. If a process fails, most operating system writes the error information to a किस फाइल में होती है वो? न्यू फाइल में, रनिंग अनदर रनिंग प्रोसेस में, या नन ऑफ द लॉक फाइल उसे कहते हैं। कहाँ होती है? लॉक फाइल में। The system which allow only one execution at a time are called uni-processing system कहा जाता है उसे। B is the correct answer. What is the inter-process communication? Inter-process communication क्या होता है? Communication between two process कहलाता है। What is a PCB? PCB process control block इसे कहा जाता है। It's a data structure। क्या है? Data structure। The entry of all the PCB of the current process is in कहाँ होती है? वो होती है process table के अंदर। The C is the correct answer. What is the objective of multi-programming? Multi-programming का objective क्या है? To increase CPU utilization, बिल्कुल correct answer. When the process issue an input-output request, then it is placed into an input-output queue में जाता है। कहाँ जाता है सबसे पहले? Input-output queue. What will happen when a process terminates? जब जैसे ही process खत्म हो जाता है तो क्या होता है? That it is removed from all queues, सारे क्यू में से भी वो भी रिमूव कर दिया जाता है। जैसे ही प्रोसेस टर्मिनेट होता है, खत्म होता है, सारे क्यूज में से भी रिमूव कर दिया जाता है। What is a short term scheduler? बहुत बार पूछा जाएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू बी एग्जीक्यूट नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। उसे क्या एलोकेट कर देगा? सीपीयू एलोकेट कर देगा। द प्राइमरी डिस्टिंक्ट बिटवीन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो इसका आंसर है द फ्रिक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में कैसे, कौन सा फ्रिक्वेंसी क्या है, कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है। इन्हें मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, जो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, द प्रोसेस एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट ए टाइम। द प्रोग्रामर आर डेवलप्ड बाय मोर देन वन पर्सन, नहीं, मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड इन द मेमोरी इज द करेक्ट आंसर सी। Which process can be affected by other process executing in the system is called the cooperating process। उसे क्या कहते हैं हम? Cooperating process। Scheduling is done so as to increase या decrease। तो decrease the turnaround time। क्या decrease होता है? When several process access the same data concurrently, एक ही data को बहुत सारे process concurrently यूज करना चाहते हैं। एंड द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द एक्सेस टेक प्लेस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रेस कंडीशन। ये आती है बहुत बार एग्जाम्स में, रेस कंडीशन क्या होती है। इफ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। दिस कंडीशन क्या कहलाती है? इस कंडीशन को हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि कोई भी प्रोसेस नहीं जा सकता उसके अंदर जब तक कि एक प्रोसेस उसके अंदर है। तो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन ऑफ नेक्स्ट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट आल्सो। Thank you.